हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी वेल इनफ बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है। दिल्ली की तरफ से होम गार्ड की रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग बंपर नंबर ऑफ सीट्स के लिए आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। पेपर में भी आया था कि बहुत जल्द से जल्द इस वैकेंसी को करा लेना है। लास्ट डेट आपका मार्च 2024 है कि इस अवधि के अंतर्गत इसको कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए इसके रिगार्डिंग हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल, सारा कुछ बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ऑल इंडिया की वैकेंसी रहेगी, मेल फीमेल दोनों ही एलिजिबल रहने वाले हैं। तो चलिए हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसके रिगार्डिंग डिटेल में हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू कि दिल्ली में होम गार्ड की न्यू रिक्रूटमेंट आई है। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 10,287 मतलब 11,000 के अप्रोक्स सीट्स है। लोकेशन की अगर बात की जाए, दिल्ली एनसीआर के अंदर आपकी ये वैकेंसी निकल के आई है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, पहले ही बता दिया है, ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी। चलिए जान लेते हैं कि फॉर्म जब आप अप्लाई करोगे तो फी क्या लिया जाएगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 100 रुपीज और एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट से कोई फी नहीं लिया जाएगा। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज ऑन 1 जुलाई 2024 आपका होना चाहिए मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 45 इयर्स। पहले जो एज का लिमिट था ना 18 से 60 वर्ष था, तो अब उसको घटा करके 18 से 45 वर्ष कर दिया है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी को 3 इयर्स का, एससी एसटी को मिलता है 5 इयर्स के लिए। अब रही बात की क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी। तो पहले जैसे कि 10th पास आउट कैंडिडेट एलिजिबल थे, इस बार थोड़ा चेंजिंग हुआ है। जैसा एज में भी आपको बताया, क्वालिफिकेशन जो भी 12th पास आउट है, डजंट मैटर आर्ट साइंस कॉमर्स है, परसेंटेज क्या है, सिर्फ 12th पास आउट हो आप एलिजिबल रहने वाले हो। चलिए आगे देख लेते हैं किन किन स्टेज से गुजरने के बाद यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। तो योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 3 स्टेजेस। पहले स्टेज पर फिजिकल होगा, होम गार्ड की वैकेंसी है, सबसे ज्यादा आपका यहाँ पर फिजिकल फिटनेस ही देखा जाएगा। सेकेंडरी आपका रिटन एग्जाम होगा एंड लास्ट स्टेज पर डीवी एंड मेडिकल होगा, मतलब सिंपल सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ मेडिकल होगा, फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं स्टेज वाइज सिलेक्शन की प्रोसेस कैसे क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, पहले स्टेज पर फिजिकल है, जिसमें आपका पहले पीएसटी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसके थ्रू आपका सबसे पहले हाइट मेजर किया जाएगा। मेल कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड है 165 सेंटीमीटर, फीमेल्स के लिए मिनिमम 160 सेंटीमीटर। वेट सिर्फ फीमेल कैंडिडेट का मिनिमम 48 केजी होना चाहिए। चेस्ट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स 81 to 86, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए और मिनिमम 81 है यहाँ पर रिक्वायरमेंट। उसके बाद आपका पीईटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें क्या होगी, रनिंग होती है। 1.6 किलोमीटर की रनिंग मेल कैंडिडेट के लिए है, जिसको 8 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो रनिंग है 1 किलोमीटर की है और 10 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। अब इसको जब आप क्वालिफाई कर लेते हो तो सेकेंड स्टेज पर आपका रिटन एग्जाम होता है। ऑफलाइन पेपर होगा, पेन एंड पेपर मोड पे ओएमआर सीट पे बनाना होगा। दिल्ली एनसीआर के लिए रिक्रूटमेंट है, तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई करोगे तो बिहार, यूपी, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, कहीं के भी कैंडिडेट हो अप्लाई करोगे, एग्जाम सेंटर दिल्ली एनसीआर में रहने वाला है। सो माइंड प्रिपेयर करके रखिएगा इस चीज के लिए। और फिर फ्रेंड्स आपका पेपर होगा ना, फ्रेंड्स पेपर में आपका 80 क्वेश्चन होंगे 80 मार्क्स के लिए, टाइम 90 मिनट का रहेगा। निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, दिस इज द प्लस पॉइंट। सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि एग्जाम आपका आसान होने वाला है, 10th लेवल का एग्जाम होगा। जैसे कि बहुत सारे 10th लेवल का सिंपल एग्जाम होता है, वैसा ही होगा। और रीजनिंग के होंगे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए,
इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, थर्ड है मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, एंड लास्ट आपका जनरल अवेयरनेस का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए। सो दिस इज योर एग्जाम पैटर्न, और एग्जाम क्लियर करोगे तो सिंपली आपका डीवी एंड मेडिकल होगा, फिर आपकी आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी। तो ज्वाइनिंग लेटर जब मिल जाएगी, ज्वाइन कर लोगे तो सैलरी क्या मिलती है, स्टार्टिंग सैलरी है आपकी 25,000, बाद में हर साल आपकी सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है, आपका पर्स अलाउंसेस मिलता है, 81,100 रुपए तक आपकी सैलरी जाती है धीरे धीरे करके, साल दर साल आपका सैलरी बढ़ेगा। तो अब रही बात कि आप सोच रहे होंगे कि इतनी ज्यादा नंबर की वैकेंसी है तो अप्लाई होना कब से स्टार्ट होगा, तो फ्रेंड्स देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक पेपर की कटिंग आ रही होगी, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें मेंशन किया गया कि फरवरी में आपका ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो आपका फर्स्ट स्टेज का जो होगा मार्च में आपका फिजिकल हो जाएगा, और लगे हाथों तुरंत फिर जो फिजिकल क्वालिफाई करेंगे उनका एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो हार्डली मान के चलिए कि जून तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, तो बहुत अच्छी बात है, तैयारी में जोर शोर से लग जाइए। और इसका नोटिफिकेशन जो आपको पेपर की कटिंग है, आप चाहो तो टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो, तो मेरे टेलीग्राम, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जाइए वहां भी फॉलो कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करिए, कहीं पे डाउट हो, मन में कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन है, आके वहां पर अपना क्वेरी सॉल्व कर लीजिएगा। और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू वीडियो जब मैं लेके आऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।